हेलो, तो कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? आज हम बात करेंगे इन दिनों देश में कई जगहों पर चल रहे प्रदर्शनों के बारे में और ये क्यों चल रहे हैं, और बात करेंगे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेना में ज्वाइन होने को लेकर लाई गई अग्निपथ योजना के बारे में जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका अपने चैनल करंट एंड वर्ल्ड अफेयर में। मैं हूँ श्रवण चौधरी। लेट्स ऑल नो अबाउट इट। सेना में 4 साल के लिए युवकों को अग्निवीर के तौर पर भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन जुलूस और तोड़फोड़ किया जा रहा है। इन सब को देखकर आम लोगों के मन में एक सामान्य सवाल उठ रहा है, तोड़फोड़ कर रहे हैं वे लोग सेना के लायक है या नहीं, या फिर जो सेना के लायक नहीं है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि जी जान से मेहनत करने के बाद ही अगर नौकरी 4 साल ही मिलनी है तो मेहनत का फायदा क्या। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेंशन भत्ता जो अग्निपथ योजना में नहीं मिलने वाला है उसकी वजह से परमानेंट जॉब के बारे में भी है। तो हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक पर। कोविड की वजह से 2 साल से सेना में नहीं गए उनके लिए फर्स्ट ईयर में 2 साल की छूट दी जाएगी। इन दिनों देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको देखते हुए तो योजना काफी बढ़िया है। देखे तो 25 साल का होने के बाद ही हर आदमी को महसूस होता है कि वो बेरोजगार है और उसकी जेब खाली है, उसके पास कोई मौका भी नहीं है। मान लो अगर वो अग्निवीर योजना में शामिल नौजवान होगा तो उसके पास मौका होगा, जेब में पैसे भी होंगे और कई तरह के ऑप्शन होंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकार इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा भी करेगी। इस योजना को लेकर कुछ लोग मान रहे हैं कि इससे जो रेजिमेंट की संरचना है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इस विषय पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रेजिमेंट की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बल्कि उन्हें जांचने और परखने के बाद ही नए मेंबर मिलेंगे। इससे रेजिमेंट की एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, क्योंकि अगर हम देखें अगर एक फौजी को डायरेक्ट भर्ती किया जाए और दूसरी तरफ 4 साल परखने के बाद उसे आगे भेजा जाए तो डेफिनेटली वो बेहतर ही होगा। ये देखकर थोड़ा अजीब लगा कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अग्निवीर सेना से समाज में वापस आएंगे तो समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। ये बात सेना के नियम और कानून और उसकी परंपराओं का अपमान करती है। सोचकर देखें कि सरकार के हर कार्यालय में एक फौजी काम कर रहा हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारी कार्यालयों की हालात में सिर्फ सुधार देखने को मिलेगा। इस तरह की बातों से सिर्फ लोगों के मन में डर बैठता है। अग्निवीरों के लिए सरकार की तरफ से आरक्षण की छूट की घोषणा शुरू हो गई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण मिलेगा और इसके अलावा इन्हें ऊपरी आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों को यह सुविधा 4 साल की अग्नि सेवा पूरी करने के बाद मिलेगा। वैसे कई देशों में अग्निवीर जैसी योजनाओं से भी छोटा कार्यकाल है। दुनिया में ऐसी योजना कई देशों में चल रही है, यह 81 की योजना है। इस योजना को लेकर कई भ्रांति है कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। इस विषय पर सरकार का कहना है कि जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक है उन्हें वित्तीय पैकेज व बैंक लोन मिलेंगे, जो युवक पढ़ने का इच्छुक है उन्हें 12वीं के संसद प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाए जाएंगे और जॉब के लिए भी फिलहाल केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी, कई अन्य सेक्टर और खोले जाएंगे। एक प्रश्न यह भी है कि युवाओं के लिए अवसर घटेंगे, इस बात में भी दम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आज सेना में जितनी भर्ती होगी अग्निवीरों की भर्ती इससे 3 गुना ज्यादा होगी। इस बात पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रेजिमेंट प्रणाली में और सुधार होगा, ये श्रेष्ठ अग्निवीर सुनकर आएंगे, इसमें सामंजस्य और भी सुधार होंगे। इस योजना से सैन्य बलों की कार्य क्षमता में कोई नुकसान नहीं होगा। युवा सुस्त और अच्छी सेना मानी जाती है। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीर कुछ सशस्त्र सैन्य बल के 3% हो गए। इन सब के बाद आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि इन सब की जरूरत ही क्या है। इस बात पर सेना के अधिकारियों का कहना है कि सेना में इसकी मदद से जवानों की मौजूदा औसत उम्र को 32 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने में मदद मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ युवाओं को सेना में स्थायी तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा। नए भर्ती नियमों से सेना में मूलभूत सुधारों में भी मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या। भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40,000 से 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। इन 4 वर्षों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 से 40 हजार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 37,500 और
1934 साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएगी। सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। ऐसे में युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी स्थायी काडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन 70% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? उससे भत्ता तो सरकार दे देगी जो 11 लाख रुपए अभी के लिए निश्चित किया गया है। और 70% के सवालों पर हम पीछे जवाब दे चुके हैं। मेरी समझ के अनुसार भारतीय सेना में ये बदलाव महत्वपूर्ण है। अगर ये योजना 5 साल पहले आती तो मैं पक्का इस योजना में का हिस्सा होता। जो लोग सेना के शॉर्ट टाइम के लिए जाना चाहते हैं उसके पास ऑप्शन होगा। अफकोर्स इससे बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि सेना का प्लान है कि 3-4 साल बाद कम से कम 1.5 से 2 लाख अग्निवीर हर साल लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट लाइक बिफोर यू गो।